फ्रेंड्स, आज हम एम्ब्रियोलॉजी में गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो में चेंजेस आते हैं या डेवलपमेंट्स होते हैं, उसमें हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज होता है और क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन की स्टेज आती है। और उस ब्लास्टुलेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है गैस्ट्रुलेशन। तो आज हम गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रुलेशन, द इवेंट्स विच ट्रांसफॉर्म अ ब्लास्टुला इनटू अ गैस्ट्रुला आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अकॉर्डिंग टू मी इवन गैस्ट्रुलेशन favors to the formation of the primordial gastric or gut cavity. The process also involves the development of two of the three primordial germ layers referred to as the ectoderm and endoderm. The third layer called mesoderm is derived from one of the other or both of the two layers. The endoderm is inner layer एंड द मेसोडर्म इज द मिडल लेयर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गैस्ट्रिक या गट कैविटी बनती है और साथ में तीन लेयर्स बनती हैं। फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकेंड मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। जो मेसोडर्म लेयर होती है वो या इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म किसी एक से डेवलप होती है या फिर दोनों से ही ये डिराइव्ड होती है। तो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन के दौरान गट कैविटी और थ्री प्राइमोर्डियल जर्म्स लेयर्स का डेरिवेशन होता है, उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रुलेशन को ही लैंकास्टर और हुब्रेंट नामक साइंटिस्ट ने अपने तरीके से डिफाइन किया कि दैट the gastrulation is a process during which the single layered blastula is converted into a two layered or three layered embryonic stage called gastrula. During gastrulation the cells are recognized and rearranged. This arrangement of cells is brought about by very complex but coordinated movements and shifting of position of लार्ज मासेस ऑफ सेल्स। यानी कि इनके अनुसार गैस्ट्रुलेशन एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा दो या तीन स्तरीय गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टुला जो है वो द्वि या त्रिस्तरीय स्टेज में डेवलप होता है, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को बैलेंसकाय ने डिफाइन किया। The process of gastrulation involves displacement of parts of early embryo. As a result, the endodermal and mesodermal organ rudiments are removed from the surface of the embryo, where the presumptive material for these rudiments is to be bound in the blastula stage. These are then brought into the interior of the embryo, where the respective organs are found in the differentiated animal. The single layer of cells called blastoderm gives rise to three germinal layers, the ectoderm, endoderm and the mesoderm. तो इस तरह से हमने ये देखा कि gastrulation एक specific process है जिसमें एम्ब्रियो में स्थित ऑर्गन्स के पूर्व निर्धारित क्षेत्र से सेल्स मूव कर अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती हैं। और साथ में गैस्ट्रुलेशन के टाइम या गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में तीन प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स बनती हैं, जिसे हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुलेशन के टाइम में जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो होता है उसमें एक किस तरह से डेवलपमेंट होता है और उसमें हमें कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स दिखाई देते हैं।
first rearrangement of the cells of the embryo takes place by means of formative or morphogenetic movements. यानी कि इनमें सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है और वो अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती हैं जहां पर उन्हें ऑर्गन बनाना होता है. सेकेंड, द रेट ऑफ सेलुलर डिविजन इज स्लो डाउन. इसमें जो क्लीवेज के समय जो सेल्स डिवाइड हो रही थी उसमें अब जो उनका रेट था वो धीरे धीरे कम होता जाता है. यानी कि अब जो सेल डिवीजन है वो धीरे धीरे होकर लगभग बंद हो जाता है. नेक्स्ट इज ग्रोथ इफ एनी इज इनसिग्निफिकेंट. यानी कि अब उसमें पूरी तरह से अब ग्रोथ होती है वो लगभग न के बराबर होती है. नेक्स्ट, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इंटेंसिफाइड एंड द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म चेंजेस. इसमें ऑक्सीडेशन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट, द न्यूक्लियस बिकम्स मोर एक्टिव इन गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स. जो न्यूक्लियस होते हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और ये एम्ब्रियोनिक सेल्स की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उन पर ये कंट्रोल करते हैं. और नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैटर्नल क्रोमोसोम्स बिकम्स क्लियर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. साथ में जो पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका भी जो इफेक्ट होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है और वो अपना अपफंक्शन करने लगते हैं. न्यू काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स दैट वर फॉर्म नॉट प्रेजेंट इन द एग्स बिगिन टू बी सिंथेसाइज्ड. इसमें नए और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होने लगता है जिससे रासायनिक डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है. इस तरह से गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स दिखाई देते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन देखा हमने कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है और उसकी प्रोमिनेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा कि मेनली इसमें तीन जर्मिनल लेयर्स बनती हैं और साथ में तीन जर्मिनल लेयर्स के साथ जो सेल्स होती हैं वो अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती हैं और फिर इनमें सेल्स या जो क्लीवेज होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है, ग्रोथ भी इनसिग्निफिकेंट होती है और फिर इनमें सेल्स में न्यूक्लियस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और नए प्रोटीन्स बनते हैं. इस तरह से कुछ इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स क्लास.